Hey guys, welcome once again to my channel. आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो या तो विको टर्मेरिक क्रीम यूज करते हैं या फिर फेयर एंड लवली क्रीम यूज करते हैं या फिर इन दोनों क्रीम्स को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इन दोनों ही फेयरनेस क्रीम्स का रिव्यू भी करने वाली हूँ, डेमो भी करने वाली हूँ और साथ में कंपेरिजन भी करने वाली हूँ। तो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी क्रीम को यूज करना है और कौन सी क्रीम को यूज नहीं करना है। दोनों ही क्रीम्स ये क्लेम करती है कि ये आपको फेयरनेस के साथ साथ ग्लो भी प्रोवाइड करेंगी, तो कितनी सच्चाई है इन दोनों के क्लेम्स में ये भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे, कर ले। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड गाइज, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विको टर्मेरिक क्रीम इंडिया में अवेलेबल है सिंस 1954 और इसको विको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। और फेयर एंड लवली क्रीम जो कि अब ग्लो एंड लवली क्रीम हो गई है, इसे 1957 में लॉन्च किया गया था हिंदुस्तान लीवर द्वारा। विको टर्मेरिक क्रीम का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैंडलवुड ऑयल और ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और इसके अलावा ग्लो एंड लवली जो है वो एडवांस मल्टी विटामिन क्रीम है। इन दोनों ही क्रीम्स को सभी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, इसे मेन और वुमेन भी यूज कर सकते हैं और अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है तो आप इन दोनों क्रीम्स को यूज कर सकते हैं। विको टर्मेरिक एंड ग्लो एंड लवली दोनों ही क्रीम्स ट्यूब पैकेजिंग में आती हैं विद आउटर बॉक्स, और आउटर बॉक्स पे आपको इन क्रीम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ग्लो एंड लवली क्रीम में वाटर, पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, नियासिनामाइड, ग्लिसरीन, डीमिथिकॉन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम एस्कोरबाइल, फॉस्फेट, एल्कोहल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ETDA, परफ्यूम, अल्फा आइसोमिथाइल, आइकोन, बेंजाइल और लिमोनिन जैसे काफी सारे केमिकल्स यूज किए गए हैं। ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपके फेस को रेडिएंट ग्लो प्रोवाइड करेगी, आपकी स्किन को क्लैरिटी देगी, आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करेगी, आपकी स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगी और आपकी स्किन को इल्यूमिनेट भी करेगी। और इसके अलावा इसके आउटर बॉक्स में आपको स्कॉलरशिप, करियर गाइडेंस और एजुकेशन एंड स्किलिंग जैसे कुछ क्लेम्स भी मिल जाते हैं। ये क्रीम नोजल ओपनिंग के साथ आती है और इससे आपका प्रोडक्ट पे काफी अच्छा कंट्रोल रहता है। क्रीम का टेक्सचर व्हाइट कलर का है, क्रीम काफी ज्यादा क्रीमी है और एट फर्स्ट ये काफी ज्यादा मॉइस्चराइज भी लगती है और ये इजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है। विको टर्मेरिक क्रीम क्लेम करती है कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये आपको स्किन इन्फेक्शन से भी बचाती है, इन्फ्लेमेशन, ब्लेमिशेस, वुंड्स एंड अदर स्किन डिसऑर्डर्स से भी बचाती है। ये आपके बॉयल्स को सूट करती है, आपके पिंपल्स को सूट करते हैं और आपके एक्ने स्कार्स को भी कम करते हैं। और इसके अलावा ये आपकी स्किन को नरिश करके आपकी स्किन को एक इम्प्रूव टेक्सचर प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको फेयर एंड ब्यूटीफुल बनाती है। इस क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ टर्मेरिक, इसमें सैंडलवुड और एक्सीपिएंट्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। ये क्रीम हल्के येलो कलर में आती है और इसका टेक्सचर भी स्टार्टिंग में काफी क्रीमी है और ये आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन को मैट फिनिश देती है, लेकिन ये क्रीम भी आपकी स्किन को ड्राई करती है। इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे अगर दोनों ही क्रीम्स का कंपैरिजन किया जाए तो ये जो ग्लो एंड लवली क्रीम है इसमें ऐसे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और जो लॉन्ग टर्म में शायद आपको स्किन कैंसर या फिर और कोई स्किन डिजीज जैसी बीमारी दे सकते हैं। और बात करूं अगर विको टर्मेरिक क्रीम की तो इसमें भी बहुत सारे पैराबेंस और केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें यूज होने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन में इतने ज्यादा हार्श नहीं होते और इसमें सैंडलवुड ऑयल और टर्मेरिक भी है जो कि हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और इसके अलावा ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। दोनों ही क्रीम्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और दोनों ही क्रीम्स को आप दिन में दो बार अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फेयर एंड लवली क्रीम की, तो इसका जो टेक्सचर है वो काफी क्रीमी है, ये व्हाइट कलर की क्रीम है और ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपकी स्किन को मैट फिनिश देती है, लेकिन ये आपके फेस को थोड़ा सा ड्राई करती है। टर्मेरिक क्रीम लाइट येलो कलर की क्रीम है और इसका जो टेक्सचर है वो भी काफी ज्यादा क्रीमी है और ये भी बहुत इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही इजीली आपकी स्किन में स्प्रेड भी हो जाती है। ये आपकी स्किन को मैट फिनिश प्रोवाइड करती है और ये भी एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती है। विको टर्मेरिक क्रीम की एनिमल्स पे टेस्टिंग नहीं की जाती है। और बात करें अगर दोनों ही क्रीम्स के प्राइस की, तो फेयर एंड लवली क्रीम आपको 25 ग्राम 54 रुपीज में मिल जाती है और विको टर्मेरिक क्रीम आपको 30 ग्राम 119 रुपए की मिलती है। तो अगर प्राइस में कंपैरिजन करें तो विको टर्मेरिक क्रीम आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है।
विको टर्मेरिक क्रीम एंड ग्लो एंड लवली दोनों ही आपकी स्किन के टेक्सचर को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं अप्लाई करने के बाद, तो इसलिए आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन जरूर अप्लाई करें। और बात करूं अगर इंस्टेंट फेयरनेस की, तो ये दोनों ही क्रीम आपको एक इंस्टेंट ग्लो और फेयरनेस तो प्रोवाइड करते हैं, और वो एजेंट्स आपकी स्किन को टेम्परेरली फेयर तो दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका जो चेहरा है वो वापस वैसा ही हो जाता है जैसे कि वो पहले था। और बात करूं अगर विको टर्मेरिक क्रीम की, तो ये आपको एक हल्का सा गोल्डन ग्लो प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरे दिन रहता है। विको टर्मेरिक क्रीम को आप फेस क्रीम के अलावा एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और इस पर एक फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बात करूं अगर ग्लो एंड लवली क्रीम की, तो इसको आप सिर्फ एक फेस क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फेयरनेस क्रीम है। तो गाइज अब बात करते हैं दोनों ही क्रीम्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो अगर आप ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं, तो आप कोई क्रीम अपने फेस पे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अपने फेस पे लगा रहे हैं जो कि आपके फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में ये आपकी स्किन को काफी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं। और बात करूं अगर विको टर्मेरिक क्रीम की, तो इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि आपकी स्किन को हार्मफुल डैमेज से बचाते हैं। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फेयरनेस, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही क्रीम्स जो है ये आपको किसी भी तरह की फेयरनेस प्रोवाइड नहीं करती है, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं करती है। आप चाहे कितने भी दिन के लिए इन दोनों क्रीम्स को लगा लीजिए, आपका जो फेस का टेक्सचर है वो वैसे ही रहने वाला है जैसे कि पहले था। फर्क सिर्फ इतना आता है कि इनमें जो एजेंट्स यूज किए हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा दिखाते हैं कि आपका जो फेस है उस पर थोड़ी सी फेयरनेस आ गई है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके फेस को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं। गाइस इन माय ओपिनियन आई विल गो फॉर विको टर्मेरिक क्रीम रादर देन ग्लो एंड लवली, क्योंकि ग्लो एंड लवली में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और विको टर्मेरिक क्रीम में केमिकल्स की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कम है। इनफैक्ट ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम भी है, और ये लॉन्ग टर्म में आपके जो डार्क स्पॉट्स है उनको भी फेड आउट करती है, तो ये ओवरऑल एक अच्छी क्रीम है। लेकिन अगर आप फेयरनेस के लिए इनमें से कोई भी क्रीम खरीदना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज ना करें। और गाइस अगर आप फेयरनेस के लिए इन दोनों क्रीम्स को परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप बिल्कुल भी इन दोनों क्रीम्स को फेयरनेस के लिए तो बिल्कुल भी परचेज ना करें। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी गाइस, कि आप बिल्कुल भी फेयरनेस क्रीम के पीछे अपने जो पैसे हैं वो बर्बाद ना करें। आपकी स्किन का जो भी नेचुरल कलर है वो वैसे ही रहने वाला है, आप चाहे कितने भी केमिकल्स यूज कर लें, कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर लें, वो जो कलर है वो रिवर्स नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप होम रेमेडीज यूज करते हैं तो भी काफी हद तक आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो ग्लोई हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो स्किन का कलर है वो रातों रात चेंज हो जाएगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जो भी आप है, जैसे भी आप है, उस पर प्राउड कीजिए, गॉड ने आपको जैसे भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। सो गाइस दिस वॉज माई टूडेज वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, काफी यूजफुल साबित होगा, और अब आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन बेकार की क्रीम्स के पीछे वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट 1-on-1 वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुली बेस्ट।